में आसमान छूती आग की लपटें उस साजिश की गवाही दे रही हैं, जो कुछ घंटों में रची गई, जिसमें हरियाणा की अमन शांति को खत्म करने की सोच गढ़ी गई और नूह के कई हिस्सों को आग के हवाले कर दिया गया। ने शहर को आग के मुंह में झोंक दिया। दंगाइयों ने शहर में हिंसक तांडव किया, गोलियां चलाईं, पत्थर फेंके और जगह जगह आग जनी की। इस हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई। कि जानते हैं कि शोभा यात्रा का समय जो दोपहर तक ही था, कि जो नल्लड़ मंदिर नूह से और जो है झीर मंदिर फिरोजपुर झिरका तक जानी थी, तो ये दोपहर लगभग आप मान के चले 12 बजे के बाद का जो है समय, उस दौरान जो है जो भी घटनाएं घटी और फिर ये थोड़ा सा फ्लेयर अप हुआ उसके बाद। नूह में हुई हिंसा में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को दो पक्षों में विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नूह को चंद ही मिनटों में आग की लपटों ने घेर लिया। गोलियां बरसनी शुरू हो गईं। हिंसक भीड़ ने सड़कों पर जमकर तांडव मचाया। छतों से, गलियों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीच बचाव के लिए उतरी पुलिस को भी दंगाइयों ने टारगेट किया। उनके हाथ में लोहे की रोड थी, डंडे थे, इन सब चीजों से वो वार कर रहे थे हमारे ऊपर। जहाँ भी जा रहे थे, जिस गांव में जा रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी सब जगह, और हमारे बस के आगे खंभा गिरा दिया और सबको नीचे पकड़ के ले गया है, सबको मारा उन्होंने। रेवाड़ी जिले से ज्यादा फोर्स, दमकल और एम्बुलेंस की गाड़ियां नूह भेजी गईं। 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद है। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में लगे CCTV से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। कि जो आज की घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि दो समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। अभी स्थिति नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और आगे भी जो भी वीडियो के बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, तो गृह मंत्री अनिल विज ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। फोन पे अभी आप सबके सामने और इनके सामने माननीय गृह मंत्री जी से बात की और माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि एक एक हमारा साथी, एक एक हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल सेफ एंड साउंड बसों में बैठा दिया गया है और सब वहाँ से निकल चुके हैं, और जिन्होंने इस मामले में नेग्लिजेंसी की है प्रशासन ने, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है, आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया है और किसी भी अफवाह से बचने की हिदायत दी है। नूह में मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था में बनाने में मदद करें और आपस में कोई टकराव ना करें, आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। नूह को जिस तरह हिंसा की आग में झोंका गया, उससे साफ है कि दंगाइयों का ये प्लान पहले से सेट था। पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी जिस तरीके से की गई, वो बता रहा है कि दंगाई हिंसा के स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुके थे। ये सच है और इस बात में पूरी सच्चाई है कि वक्त रहते अगर एक्शन लिया गया होता तो उपद्रवियों ने जो तोड़फोड़ मचाई है इस पूरे इलाके में, शायद वो हालात तो उस तरीके से नहीं होते। लेकिन ये भी सच है कि जब प्रशासनिक टीमें सजग हो जाती है, जब सरकारें एक्शन के मूड में आ जाती है, तो वही होता है जो यहाँ हो रहा है, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, चप्पे चप्पे पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। वो टीमें इस वक्त यहाँ पे तैनात है जिनकी वजह से अब कोई चाहे भी, कोई साजिश भी करना चाहे, तो कम से कम यहाँ या फिर नूह के आसपास के जिलों में हालात इस वक्त खराब नहीं हो सकते। पुलिस इस वक्त एक्शन के मूड में है। उन तमाम लोगों की पहचान की जा रही है जिनके CCTV फुटेज सामने आ चुके हैं। मैं फिर अपने सहयोगी जावेद का रुख करूंगी। जावेद, आपकी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है, वो तमाम जगहों की तस्वीरें भी आपने दर्शकों को दिखाई है, खुद भी देखी है कि कैसे यहाँ पे कल तोड़फोड़ मचाई गई है। जो हरियाणा के गृह मंत्री है वो खुद एक साजिश का इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने साजिशन ये कदम उठाए हैं। आम लोगों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें आई हैं वो कल से हमने देखी, लेकिन अब जो सबसे जरूरी चीज है वो है शांति का संदेश जाना, और यही लेकर आज पीस कमेटी की बैठक होनी है। और पीस कमेटी में लगातार जो नूह के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शामिल हो रहे हैं। जयान अहमद हैं जो कि जिला परिषद के चेयरमैन हैं, वो भी शांति कमेटी की बैठक के लिए जा रहे हैं। सर, क्या अब कदम रहेगा, क्योंकि कल जो तस्वीरें देखी वो वाकई चिंताजनक थी मेवात के लिए, अब क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग शांति के लिए? हम रात से
अब जो हमारे यहाँ गुरुकुल हैं या हमारे कस्बों में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनके पास गए हैं, उनको भी हमने समझाया। और हम सभी मेवात में जितने भी चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, सभी भाइयों से गुजारिश कर रहे हैं कि जो कल हुआ है वह गलत हुआ है और अब आगे से हमें भाईचारा और आपस में अमन शांति बनाए रखनी है। इसी के एवज में रात भी डी साहब ने एस पी साहब ने मीटिंग बुलाई थी और अब 11 बजे दोनों पक्षों से जो जिम्मेदार आदमी उनकी मीटिंग हो रही है और मीटिंग में यही डिसीजन लिया जाएगा कि पहले हमें शांति बनाए रखनी है। जो हमारे वर्षों से आपस में भाईचारा है और हमारा हिंद इतना अच्छा भाईचारा है कि हम एक दूसरे के सुख में दुख में हैं, शादी में सब में आते जाते हैं। कुछ जो शरारती तत्वों ने यहाँ का जो माहौल खराब किया है उनको चिन्हित करके दंडित किया जाएगा। ठीक है, और सभी से मेरी गुजारिश जरूरी है दो चीजें, जो इस साजिश में शामिल थे उनको ना बख्शा जाए, जो कि सरकार कह भी रही है, और साथ ही जो नूह में कल हुआ उसके बाद शांति बहाली की जाए, विश्वास बहाली की जाए दोनों पक्षों के बीच में, ये सबसे जरूरत है। लेकिन मैं आपको नूह की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अभी यहाँ स्थिति कंट्रोल में है, कल जैसी स्थिति कोई नई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन धारा 144 लगी हुई है, माहौल हल्का तनावपूर्ण जरूर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम शॉप्स यहाँ पर बंद नजर आ रही हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां लगाई जाएंगी, तो पूरे जो कदम हैं सरकार की तरफ से वो उठाए जा रहे हैं ताकि फिर से नूह में वो तस्वीर ना दिखाई दे जो कल दिखाई दी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था है, उसको कायम किया जाए। जी, इस शांति व्यवस्था में किसकी किसकी भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है, इस पे मैं इस वक्त फोकस करती हूँ। प्रशासनिक टीमें सबसे पहले क्या पहल कर रही है? पहल ये कर रही है कि दोनों पक्षों के जो नुमाइंदे हैं, जो बड़े चेहरे, वो स्थानीय नेता भी हो सकते हैं, वो ऐसे प्रमुख भी हो सकते हैं जो दोनों पक्षों के बीच में जो एक दरार है, जो खाई है, जो जहर है, उसे कम किया जा सके। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे पुलिस फोर्स को हम उतार दें और उनकी गलत फहमियां, उनका अफवाह खत्म नहीं हो, तो इससे बात नहीं बनती है। जब भी अशांत इलाका हो जाता है, जब भी किसी इलाके में दंगे जैसा माहौल हो जाता है, तो सबसे पहली चुनौती और प्राथमिकता यही हो जाती है कि हम दो पक्षों को आमने सामने बिठाएं, जो भी गलत फहमियां हुई है उस पर बात करें। और इसके साथ साथ प्रशासनिक टीमों में जो हेरफेर हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, भिवानी के जो एसपी हैं उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि हालात बहुत खराब है और ये जिम्मेदारी उनके हाथों में होनी जरूरी है, क्योंकि एसपी किसी भी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अहदा होता है। और इस लिहाज से ये बदलाव बहुत जरूरी भी है। इस वक्त जो बैठक हो रही है, जो शांति कायम करने की पहल हो रही है, इस पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ ये नूह का मामला नहीं है, नूह के आसपास के जो जिले हैं और यहाँ से जो अफवाह निकल रही है, ये अफवाह का असर दूसरे प्रदेशों में ना हो, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सीधे जावेद का रुख करती हूँ। जावेद, ये पहली कहानी नहीं है यहाँ से, नूह से जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अमूमन हमने देखा है कि जब भी किसी प्रदेश में अशांत माहौल हो, दो पक्ष आपस में भिड़ जाए, तो वो सिर्फ उस जिले की बात नहीं रह जाती है, उस राज्य के अलग अलग इलाकों में या फिर दूसरे प्रदेशों में इस अफवाह का असर बहुत ज्यादा होता है, जहर की तरह फैलता है और पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। अभी नूह में क्या क्या कदम उठाए गए हैं शांति कायम करने के लिए, वो बताइए दर्शकों को। देखिए, नूह में कल हुआ वो तस्वीर हमने देखी और उसका असर यही हुआ, रीमा, जो आप कह रही हैं कि यहाँ से कहाँ तक जाएगा। सोहना यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी आगजनी और उस तरह की घटनाएं हमने देखी, लेकिन कोई नई घटना आज रिकॉर्ड नहीं हुई है, जो कि सबसे पॉजिटिव साइन ये है। अगर मैं नूह की बात करूं तो नूह में आज हम तमाम जगहों पर घूमे हैं, उन जगहों पर घूमे जहां कल तस्वीर कुछ और थी, वहां फिलहाल स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है, जगह जगह पुलिस का पहरा है। मैं जहां मौजूद हूं, आप देखिए यहां पर पुलिस वैन यहां अभी भी मौजूद है, कुछ मीडिया कर्मी यहां पर है लेकिन पुलिस वैन यहां पर मौजूद है और जगह जगह पुलिस गश्त भी कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो नूह में कंट्रोल करने की कोशिश की वो ये कि यहां इंटरनेट को बंद किया गया, क्योंकि आज के जमाने में इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि उससे बहुत तेजी से अफवाह फैलती है और उससे बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका होती है, और यही वजह है कि सबसे पहली फुर्सत में ये इंटरनेट को बंद किया गया। और साथ ही न सिर्फ नूह में 144 लगाई गई बल्कि रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन पलवल, ये ऐसे इलाके हैं जहां धारा 144 लगाई गई।